गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं करण पटेल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, डायमंड मास्टर अटोमी इंडिया। आप सभी का तहे दिल से इस सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अटोमी की जर्नी रही वो काफी संघर्षपूर्ण रहा और अभी सफलता पूर्वक चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी तरह डायमंड जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा है। अटोमी इंडिया का मैनेजमेंट ही वैसा है। बहुत ही ज्यादा जल्दी सफलता को हासिल करने में कंपनी 100% मदद करती है, हर तरीके से मदद करती है। आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि मैंने अटोमी कैसे ज्वाइन किया, कैसा मेरा सफर रहा और कैसे मुझे कामयाबी मिली। जैसे आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, एक पुअर क्लास फैमिली से, जो मेरा पिताजी की बात करूं तो किसान है और मेरा क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं 10th फेल हूं, यानी कि 10वीं फेल हूं। मेरा क्वालिफिकेशन समझो ना के बराबर है, क्योंकि हमारे घर में उस हालत ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई को आगे ले जा सकता। और इतना ज्यादा संघर्षपूर्ण मेरे पिताजी के जीवन में रहा और मेरे जीवन में रहा, ताकि हम लोग जंगल में रहते थे और जब जंगल में रहते थे तो हमारी जो स्कूल्स होती थी वो काफी दूर होती थी। और स्कूल्स से जब हम आते थे तो सवेरे 7 बजे निकलते थे तो स्कूल 10 बजे पहुंचते थे और शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, तो रात हो जाता था। मतलब जो दिन होता था वो पूरी तरीके से ढल जाती थी, शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी पहुंचते। इतना दूर हम लोग पढ़ाई करते थे, पैदल आते थे। इस वजह से मेरा क्वालिफिकेशन बहुत कम रहा, लेकिन आई होप आज अटोमी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अटोमी की पूरी मैनेजमेंट को, इंडिया के जितने भी मैनेजमेंट है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरीके से इस सिस्टम को हमारे यहाँ इस कोविड के सिचुएशन में भी लॉन्च किया, जो हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आभारी है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे यह बात करना चाहूंगा कि अटोमी में हर कोई सफलता को हासिल कर सकता है, क्योंकि मेरे जीवन में काफी बड़ा संघर्ष रहा है, काफी बड़ा ही संघर्ष रहा है। मैं इससे पहले क्या क्या काम नहीं किया था, मैंने हल चलाने का काम किया, मैंने सरिये बांधने का काम किया, ईंट भट्ठे में काम किया, नाली बनाने का काम किया, सब्जी बेचने का काम किया, पानी पूरी बेचने का काम किया, हलवाई का काम किया, मतलब जो काम मिलता था वो काम मैं करता था। सभी जगह पे एक तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, एक अनुभव की जरूरत पड़ती है, वही तजुर्बे और अनुभव की वहां भी मुझे जरूरत थी, लेकिन मैंने वहां पे वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया क्योंकि अनुभव नहीं था। अगर हमें कामयाबी मिलती भी थी, थोड़ा बहुत इनकम मिलता भी था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, बहुत बड़ा अचीवमेंट। यानी कि अगर हम 5,000 रुपए कमा भी लेते थे, 2 से 3 महीने में बचा भी लेते थे, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। जैसे मेला होता था, उस मेले में हम लोग काम करने जाते थे, मैं और बीवी काम करने जाते थे दोनों के दोनों, और रात को जब आंधी तूफान बारिश होती थी तो रात भर हम लोग जो अपना पानी पूरी का ठेला होता था उसको धर के खड़े रहते थे, ऐसे धर के खड़े रहते थे और आंधी तूफान चलती थी। और बच्चा होता था, छोटा मेरा 2 साल का बच्चा था, वो रोते रहता था। लेकिन हमारी सिचुएशन ये थी कि हम उसको डांट के मार के भगा देते थे, लेकिन दिल में हमेशा दर्द होता था कि अपने 2 साल के छोटे बच्चे को डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है। और इस तरीके से काफी संघर्ष रहा और हम लोग रोते भी थे, ये भी क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया जब मैंने अटोमी ज्वाइन किया। अटोमी ज्वाइन करने के बाद में और ज्यादा हमारे पास चुनौतीपूर्ण कार्य थे। क्यों? क्योंकि उस समय में मेरी जो पानीपुरी की ठेला थी वो मैंने, जैसे मीटिंग पड़ा मैंने ठेला बंद कर दिया और मेरे पास चैलेंजेस आना चालू हो गए, क्योंकि फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो मेरी जो जितनी भी इनकम थी वो पूर्ण रूप से बंद हो गई। ठेला तो पहले से बंद था, गवर्नमेंट ने अलग से बंद करा दिया, प्लस हमारा कोई दूसरा काम नहीं होता था। तो क्या होता था, 3 महीने तक हमारे पास 1 भी रुपए नहीं होते थे, और वो हालात भी मैं किसी दूसरे को नहीं बता सकता था। 3 महीने तक 1 रुपए भी नहीं होता था। आज भी मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा बच्चा 1 रुपए मुझसे मांग रहा था, आज भी वो दिल में दर्द होता है, 1 रुपए मुझसे मांग रहा था, और वो मैं, इतनी मेरी हालत खराब थी कि मैं 1 रुपए अपने बच्चे को नहीं दे पाता था। उस दिन थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ कि कहीं मैंने अटोमी ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर दी, मुझे ऐसा फील हुआ। और मैंने आधे घंटे जा करके छत पे अपने जा करके रोया था आधे घंटे, और रो तो 30,000 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए मेरे पास खुद के नहीं थे, मैंने देखे नहीं थे अपना खुद का कभी, क्योंकि
आज अटोमे इंडिया की बदौलत लाखों रुपए मेरे महीने का इनकम है। आपने मेरी लाइफ के बारे में देखा होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो पे कार को भी मेरा देखा होगा, मैंने न्यू किया सेल्टोस अभी परचेजिंग किया हुआ है। किससे? अटोमे इंडिया से इनकम। महापुरुष की जीवनी पढ़ रखी थी एपीजे अब्दुल कलाम की, वहां पे एक बात लिखी थी कि कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो उसके संघर्ष पूर्ण जीवन का परीक्षा लिया जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ और इसी राह पे जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जीवन में संघर्ष जब तक नहीं रहेगा तब तक वो अचीवमेंट आ ही नहीं सकता किसी का। कि एक जीवनी है उसमें बताई गई थी, उस नौकरी करने के लिए नहीं बने हो आप, बड़ा कार्य करने के लिए बने हो, ऐसा उसको बोला गया था। वो चीजें मेरी माइंड में थी तो मुझे लगा कि अगर मेरी हालत आज ये है तो 100% मुझे सफलता से वंचित कोई कर ही नहीं सकता और 100% मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी अटोमे फैमिली का, इंटरनेशनल फैमिली का, और सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि एक ही चीज को हम दो नजरिए से देखते हैं, अब ये आपके ऊपर है कि हम देखते कैसे हैं। एक ही तालाब में एक व्यक्ति को कीचड़ दिखाई देता है और एक व्यक्ति को कमल दिखाई देता है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको कमल दिखाई देता है या कीचड़ दिखाई देता है। थैंक यू सो मच अटोमे मैनेजमेंट जो मुझे बोलने का मौका दिया गया है आप लोगों की तरफ से। और फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि अटोमे के प्रोडक्ट्स, अटोमे के मैनेजमेंट, अटोमे की कल्चर ऑफ शेयरिंग और हमारा अटोमे का जो मोटो चेयर द स्पीड, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी, कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच। It's caught in the crossfire.